सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस रेड के सीजन 2 की नई अपडेट प्लस कंफर्मेशन के बारे में। काफी सारी क्वेरीज आ रही थी सीजन 2 के रिगार्डिंग, प्लस कुछ नई चीजें पता चली हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना मेरे को लगा कि जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, जो भी कुछ हमको पता चला है सब कुछ आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भाई, ऑल ऑफ अस रेड कितनी बड़ी सीरीज है हमें आपको बताने की जरूरत है नहीं, इसकी ऑडियंस ही बता देती है कि भाई इशू की पॉपुलरिटी कितनी ज्यादा है। एंड यही रीजन है कि का बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं। अब देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके प्रोडक्शन के ऊपर ये अपडेट बताई थी कि भाई एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को जो शूटिंग है वो इस साल के लास्ट क्वार्टर तक देखने को मिल जाए, क्योंकि इनके जो कास्ट मेंबर्स हैं उन्होंने इसी चीज को हिंट करा था। तो अभी करंटली जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर आप लोग को जो इसका प्रोडक्शन का वर्क है वो देखने को मिल सकता है। इसके करंटली चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि इनके मेकर्स की जो प्रीवियस कमिटमेंट्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। प्लस अगर आप लोग को नहीं पता तो रिसेंटली अभी अगस्त के अंदर ही आप लोग को ज़ॉम्बीवर्स नाम की एक सीरीज देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर जो आप लोग को ज़ॉम्बीज का लाइक कॉस्ट्यूम देखने को मिलता है, प्लस जो भी आप लोग को लुक ज़ॉम्बीज का देखने को मिला है वो उसी टीम ने करा है जिसने ऑल ऑफ अस रेड के ज़ॉम्बीज को डिजाइन करा था। तो इसी वजह से आप लोग समझ सकते हो कि भाई एक टीम एक टाइम पे एक ही जगह पे काम कर सकती है। एंड ज़ॉम्बीवर्स तो एक रियलिटी शो वाली ज़ॉम्बी सीरीज है, लेकिन लाइक ऑल ऑफ अस रेड तो एक प्रॉपर शो है। तो इसी वजह से आप लोग को उधर एक अलग ही लेवल का कमिटमेंट देखने को मिलता है। एंड इसी वजह से बताया जा रहा है कि जितना भी सब कुछ इसके सेंटो के ऊपर होना था वो प्री प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब एक्सपेक्टेड है कि भाई एक ही काम जो कि प्रोडक्शन का बचा हुआ है वो आप लोग को आने वाले 2 महीने में स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाए। एंड जो WGA स्ट्राइक चल रही है या फिर जो रिसेंटली में एक्टर्स की स्ट्राइक स्टार्ट हुई है उसका भाई कोरियन शोज के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई ये अलग से ऑपरेट करते हैं। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन थी कि उसकी वजह से इसमें डिले हुआ है तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर सब कुछ सही रहा, फिंगर क्रॉस, तो आप लोग को इसी साल इसका जो शूटिंग का वर्क है वो देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, अगर शूटिंग की बात हो रही है तो एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को मल्टीपल लोगों ने ना एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें ये लिखा था कि इसका जो शूटिंग का वर्क है उसको जनवरी के अंदर 2023 में स्टार्ट कर दिया गया था। तो देखो भैया, जितना भी तक हमने रिसर्च मारा या फिर जितना भी तक हमको पता चला है उसके अकॉर्डिंग तो इसका शूटिंग का वर्क जनवरी में स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले अपडेट्स थी कि सितंबर में स्टार्ट हुआ था, बट वो बहुत बड़ा प्रैंक हो गया था सारे के सारे मीडिया हाउसेस के साथ, क्योंकि ज़ॉम्बी सीरीज की शूटिंग तो चल रही थी लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं थी, वो कोई दूसरा कोरियन ज़ॉम्बी शोज था। एंड कोरिया के अंदर भाई बहुत सारे ज़ॉम्बी शोज एंड मूवीज बनती रहती हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा वहां पे लाइक मिसकम्युनिकेशन हो गया था। बट अभी करंटली जो अपडेट्स आ रही है वो इनके एक्टर्स प्लस जो इनके लाइक मेकर्स हैं एंड उसी के साथ ही भाई अच्छे अच्छे मीडिया सोर्सेज की तरफ से आ रही है जिनको हम लोग अभी ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखो यार, शूटिंग की बात तो हो गई, आगे जब शूटिंग के ऊपर मेरे को नई चीजें पता चलेंगी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा ही। लेकिन इसी के साथ ही देखो यार, रिसेंटली में इसका जो रिलीज डेट है उसके अंदर भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। अब देखो, आप सभी को बताया कि इसका जो सीजन 1 था आप लोग को 2022 के जनवरी के मंथ में देखने को मिला था। एंड अभी बताया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ की सीजन 2 का जो वर्क है वो इतना लेट स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि शायद जो सीजन 2 है वो आप लोग को 2024 में ना देख के 2025 के जनवरी के मंथ में ही देखने को मिले, क्योंकि इसका जो वर्क है ना वो बताया जा रहा है कि लेट 2024 तक ही कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर सब कुछ सही रहा देन शायद आप लोग को शो लाइक लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में देखने को मिले, अदरवाइज आप लोग को 2025 के अर्ली क्वार्टर तक का वेट करना पड़ेगा। तो रिलीज के ऊपर तो आगे हम लोग को और भी मल्टीपल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये तो फॉर श्योर है। बट यस, अभी लाइक गीक वीक नहीं हुआ इस साल, तो अगर गीक वीक हो जाए तो क्या पता उसके अंदर हमें कुछ सुनने को मिल जाए, क्योंकि पिछली बार जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 2022 में तो गीक वीक का ही टाइम था। तो आगे देखते हैं भाई, अगर मेरे को इसके सेंटो के ऊपर और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी देन वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा। अभी करंटली सेंटो के ऊपर यही कुछ नए चेंजेस थे जो मेरे को पता चले थे। इसके अलावा भाई कुछ र्यूमर्स हैं जिनके जैसे मेरे को और भी कंफर्मेशन मिल जाएगी मैं आप लोग को आने वाले टाइम में इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।